नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। निकाय चुनाव में अब नजदीक है, वहीं भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना दावा मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम पहुंची है गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में और यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में अनुसूची लिस्ट जारी होने के बाद क्या कुछ माहौल है गाजियाबाद के नगर पालिका में? हम आज मौजूद है गाजियाबाद के नगर पालिका खोड़ा कॉलोनी में। क्या कुछ यहाँ का माहौल बदल रहा है? क्या कुछ जनता यहाँ पर सोच रही है कि किसको वोट देगी अपना, और क्या कुछ यहाँ पर कमियां रह गई है, वो सब चीजें भी हम जनता से बात करेंगे। और क्या अभी जो जमीनी मुद्दे है, खासतौर पर क्योंकि नगर पालिका बने हुए 5 साल हो चुके हैं, पुनः दोबारा से चुनाव होना है, और चुनाव में कौन कौन अपनी दावेदारी दे रहा है, कौन कौन दावेदारी ठोक रहा है, उसको लेकर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये बुजुर्ग अंकल जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अंकल, खोड़ा नगर पालिका में अब चुनाव होना है और अभी क्योंकि टिकट तय नहीं हुआ है, क्योंकि जाति सूची जारी हो गई है, उसके बाद अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या विकास होगा और क्या विकास रह गया है अभी? देखो सर, कमियाँ तो यहाँ बहुत है, सारी हैं। हमें हो गया 86 में आए, सबसे बड़ी बात तो पानी का यहाँ समाधान नहीं हो रहा है। रोड लाइट के लिए हमें तो कई बार लड़ाई हो चुकी है, सर बता रहा हूँ। यहाँ मेन चीज है कि आदमी का पानी सबसे ज्यादा मेन हमें चाहिए, पानी का निकास नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अपन नेता लोग अपने अपने घर में रोटी सेकते हैं, समझा, या कह के चले जाते हैं। यहाँ पर सभा सदस्यों में लड़ाई कई बार हुआ, मेरे 86 में आया हूँ, यहाँ पर कोई समाधान आएंगे कहेंगे हाँ मैं करूँगा, 5 साल बीत गया, दूसरा 5 वर्ष भी बोल रहा, कुछ समाधान नहीं हो रहा। जैसा कि आपने पानी की समस्या बताया है, स्कूल है, अस्पताल है, फीवर लाइन है, बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि जनताओं से लगातार हम बात करें, जितने भी लोग मिल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका खास जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पानी, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी, क्योंकि लोग यहाँ पर जो बोरिंग करा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? भाई बोरिंग के लिए पैसा कहाँ से आए इंसान को? इंसान के पास 10,000 रुपया कमाने वाला है और 5 लाख रुपया कहाँ से खर्चा करेगा? खाने के यहाँ पैसे नहीं है, आर्थिक व्यवस्था लोगों की खराब है, समझे। और तो अस्पताल भी होना चाहिए या स्कूल भी अच्छे ढंग का होना चाहिए। सरकारी स्कूल चले जाओ, खंडन पड़ा हुआ है साले, कहकर इतना फंड आता है सब खा लेते हैं, पता नहीं कहाँ चलता है। मेन चीज तो यहाँ पानी का निकास और पानी पीने के लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये पहला हो जाए तो सारे समाधान हो जाए। और सीवर वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कमियाँ बहुत है सर बेटे। देखिए कमियां बहुत हैं, और इस बार क्या जनता जो है यहाँ पर वोट जो है अपना प्रतिशत किसको देगी, सबसे मेन महत्व सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर किसको अपना वोट देंगे और किसको अपना यहाँ से चेयरमैन चुनेंगे और कौन इनका यहाँ से सभासद रहने वाला है। हमारे साथ एक भाई साहब और है, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस बार जो चुनाव में क्या जनता अपना मूड बना रही है और क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं रह गई है अभी जो पूरी नहीं हो पाई है। सर क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? रजनीश कुमार जाना है। रजनीश जी, ये बताइए, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पानी के अलावा भी और क्या क्या चीजें यहाँ पर रह रही हैं? पानी के अलावा देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो पानी नहीं है, पानी अगर एडजस्ट कर भी लेते हैं तो उसे निकालेगा, और नालियां बना तो दी गई है, निकलने का जगह ही नहीं है, कहीं पे कहाँ निकले, बाहर रोड पे जमा हो जाता है, परेशानी होती चलने में। अब जैसे कि पानी की समस्या बताई आपने, और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है स्कूल और जो अस्पताल, क्योंकि बच्चे जो हैं बाहर दिल्ली जाते हैं बताया जा रहा है जिस तरह से, क्यों 5 साल यहाँ पर बीते और खड़ंजे बने, क्योंकि लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते थे, आने के लिए नहीं आते थे यहाँ पर, क्योंकि बताया जाता था खोड़ा में गड्ढे हैं, रोड पे पानी भर जाता है, इस तरह की समस्याएं होती है। 5 साल के अंदर क्या है, आप स्कूल की स्थिति अगर देखनी हो आपको तो बगल में स्कूल है आपके, वार्ड नंबर 3 की, आप जाकर के देख लो। स्कूल तो दिखेगा ही नहीं, स्कूल तो है ही नहीं वहाँ पे, समझ लो कबार खाना है, कबार है यहाँ का, स्कूल नहीं है, तो बच्चे तो परेशान है ही, यहाँ के पब्लिक परेशान है। एक तो गरीब जनता रहती है यहाँ पे, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो खोड़ा में मजबूरी है, कमाना 6,000 रुपये 7,000 रुपये महीने का है, 2,000 रुपये स्कूल फीस देनी है, तो परेशानी तो बढ़ाई जा रही है यहाँ की जबरदस्ती। चाहती तो पालिका पहली बार में स्कूल वगैरह बना सकती थी, ना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आप पता कर लो आसपास, कोई हॉस्पिटल ही नहीं, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, तो क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव होगा इस बार, जो क्षेत्र की जनता है वो श्री ललित जायसवाल को चाह रही है वोट, मेरे हिसाब से जिस प्रकार से उनको जनसमर्थन मिल रहा है चेयरमैन वही बनेंगे। देखिए चेयरमैन कौन बनता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और जनता किसको वोट देगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ भाई साहब और है, उनसे पूछेंगे। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सोनू नाम है सर।
सोनू जी ये बताइए कि अभी क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी रह गई हैं, क्योंकि 5 साल नगर पालिका को हो गए हैं और अब जो है नया चेहरा देखना चाहते हैं कि पुराना चेहरा जो है उसी को नया किस लिए? वजह यही है कि स्कूल सब खंडर पड़े हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे क्लिनिक वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो भी दिक्कत होती है, यहाँ के अधिकतर बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं, हमें अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम दिल्ली ही इलाज कराने जाते हैं। खोड़ा में कोई क्लिनिक वगैरह नहीं है गवर्नमेंट के नाम पे। स्कूल की बात करें तो स्कूल का यहाँ पर किस तरह से मौत? स्कूल तो बहुत बेकार है, यहाँ का पढ़ने लगभग ही बच्चे सारे के सारे दिल्ली जाते हैं। अगर अभी यहाँ पे क्लास चल रही है ना, 3 नंबर वार्ड में स्कूल है पीछे, आपका जाके देख लीजिएगा, उसमें बच्चे सारे खेलते हुए मिलेंगे, टीचर आराम से फोन चलाते हुए मिलेंगे। तो देखिए ये जनता के सवाल है और सवाल लाजमी भी है, क्योंकि अगर काम हुआ होता तो जनता सपोर्ट करती। और जो चेयरमैन है अभी फिलहाल में, जिस समय पे मौजूदा चेयरमैन है, और वो उनके विषय में बातें होती, उनके जो अच्छे काम किए हैं उन पर बातें होती। तो हमारे साथ देखिए दुकानदार भी है, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर खोड़ा का माहौल बदला है और या फिर आगे क्या कुछ रहने वाला है। सर ये बताइए कि खोड़ा कॉलोनी में आप रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और क्या नाम है? मेरा नाम माधव सिंह बघेल और 98 से हम खोड़ा कॉलोनी में आए हैं। 98 में क्या माहौल था और अब क्या माहौल? बहुत बुरा हाल था 98 में, तो चोरी डकैतियां मकान टूट सब होते थे, लेकिन अब फिर भी काफी सुधार हुआ है, धीरे धीरे और भी हो जाएगा सुधार। जैसे कि 5 साल नगर पालिका को हो चुके हैं और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी गई है जनता को और अब कितनी बाकी है? सुविधा तो बहुत बाकी है, कुछ थोड़ी दी भी गई है, कुछ बाकी सुविधा रह गई है बहुत सारी। अभी बहुत परेशान है, जैसे पानी की सुविधा हुई है और स्कूल भी है, पानी की सुविधा है, पानी बड़ी परेशान है जनता, करीब 8-9 लाख रुपए बोरिंग करा के पानी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये है, बाकी हमें 3 नंबर वार्ड से माधव सिंह बघेल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और देखो जनता का जो राशन कार्ड है, ये छोटे छोटे काम भी करवाएंगे हम। जनता आपको वोट दे, आप चाहते हैं और आप यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो थोड़ा एक सवाल है मेरा आपसे, अगर ये आप जनता आपको चुन के यहाँ पर भेजती है तो क्या जो समस्याएं रह गई, सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल यहाँ पर नहीं बना है ठीक, यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो क्या वो सब चीजें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी? नहीं, वो सभासदों के माध्यम से चेयरमैन जो भी होगा उसको आवाज उठाई जाएगी, हम संगठन बनाएंगे। जो नए चेयरमैन है, पुराने चेयरमैन है, उन्हीं को ही वोट मिलेगा, क्या उन्हीं को पसंद कर रहे हैं या कोई नया चेहरा देखना चाह रहे हैं? नया चेहरा देखना चाह रहे हैं भाई हम। वजह सर बताइए। वजह स्कूल देख लो, अस्पताल देख लो, टैक्स भेज रखे हैं घरों पे, सुविधा क्या है, कूड़े उठाने का टैक्स देगी पब्लिक, सिर्फ कूड़ा उठाने का टैक्स देगी, ये मूल सुविधाएं और क्या, अस्पताल बनवाओ। नहीं देखिए आप जो बोल रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिली हैं, हालांकि जब एक समय पर ये नगर पालिका जो है खोड़ा नगर पालिका, एक समय पर ऐसा माहौल था कि लोग यहाँ पर आने के लिए बचते थे, यहाँ पर आने को पसंद नहीं करते थे, तो क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि गड्ढे हुआ करते, रोड बन गए हैं और कुछ क्या क्या सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जो बड़ी समस्या है वो क्या? समस्याएं सारी हुई है, मतलब इन चीजों छोटी छोटी चीजों पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि बीजेपी खराब है, वो खराब है, कोई खराब कोई नहीं है, पर मूल सुविधा यही है जो भी है, अस्पताल है, स्कूल है, नाली पानी वानी है, इनकी सुविधा खराब। तो पानी और नाली को लेकर जिस तरह से, और कुछ सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है पानी, जिस तरह से लोग बोरिंग कराते हैं और लाखों रुपए खर्च करके उस बोरिंग को कराने के बाद वहां पर पानी लिया जाता है पीने का और नहाने के लिए पानी यूज किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है इतना पैसा खर्च ना करके कई लोगों से पैसा एकत्र करके बोरिंग कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं नगर पालिका खोड़ा के अंदर में। अस्पताल को लेकर बात की जाए या हॉस्पिटल स्कूल को लेकर बात की जाए या स्वस्थ पानी को लेकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है क्या कुछ मूड बना रही है वो सब आपने सुना है। आगे देखते हैं चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। नगर संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम आज पहुंची थी गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। फिलहाल नगर संग्राम की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।